हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज बहुत टाइम के बाद मैं एक ड्रेपिंग की वीडियो लेकर के आई हूँ, विच इज़ वेरी रिक्वेस्टेड एंड बहुत ज़्यादा ना ये ट्रेंडिंग भी आजकल चल रहा है। आप अपनी कोई सी भी अच्छी सी साड़ी के साथ, नॉर्मल सी भी साड़ी है उसके साथ ना आप अपनी ब्राइडल चुनरी को कैसे वेयर करें, मुझे इसके कॉमेंट्स भी आ रहे थे। आई थॉट कि चलिए आप लोगों के साथ ना आज मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। देखो कितना प्यारा सा लुक, मैंने फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा ही ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक लगा गाइस, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। स्टेप बाय स्टेप ना मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी। एंड वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पे जो मैंने साड़ी यूज की है गाइस, ये साड़ी नॉर्मल लेंथ की साड़ी है, बहुत छोटी साड़ी नहीं है, ताकि आप लोगों को भी पता चले ना कि आपकी साड़ी बड़ी हो या छोटी हो, आप बहुत आसानी से इस वाली ड्रेपिंग को कर सकती हैं। सो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ, अब ड्रेपिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने साड़ी ली, बहुत ही ज्यादा प्रेटी साड़ी है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो सिंपली आपको साड़ी का लास्ट वाला सा कॉर्नर लेना है, फैब्रिक लेना है एंड इसको राइट साइड से टकिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बेसिक स्टेप्स होते हैं ना उनको ही फॉलो करते हुए इस ड्रेपिंग को स्टार्ट करना है। एंड जब भी आप साड़ी को टक करिए तो ध्यान दीजिए आप अपने ना इसको जो बेली बटन होता है उसके बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे से टकिंग स्टार्ट मत करिए। नॉर्मल लेंथ जितने में आप कंफर्टेबल रहती हो आपको उतने में ही टकिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं पीछे से अच्छे से टक कर लूंगी ताकि जो लुक एकदम नीट एंड क्लीन लगे। एंड एक चीज का आपको इसमें ध्यान देना, आप देखिए मैं एकदम स्टार्टिंग से प्लेट्स बनाने स्टार्ट कर रही हूँ एंड इसमें जो प्लेट्स बनेंगे काफी ज्यादा वाइड प्लेट्स आपको बनाने हैं, चौड़े प्लेट्स बनाने हैं। चौड़े प्लेट्स इसलिए बनाने हैं कि अगर आप छोटे छोटे से प्लेट्स बनाएंगी तो उसके बाद जब प्लेट्स को टक करेंगी तो लुक बहुत ही ज्यादा बल्की सा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एंड खास तौर पे इस टाइप की साड़ियों में, अगर नॉर्मल पतली वाली सी साड़ी है तो आप पतले प्लेट्स भी बना सकती हैं, ठीक है। तो बट मैं यहाँ पे चौड़े चौड़े से प्लेट्स बना रही हूँ, एज यू कैन सी सारे आपको इवन अपना जो पल्लू वाला पार्ट है ना उसको भी ले लेना है प्लेट्स में। एंड थोड़े से प्लेट्स को अपने हाथों की हेल्प से सेट कर दीजिए, देन सिक्योर इट विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इसको अच्छे से सिक्योर करके छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब आपको लेना है आपकी चुनरी, यहाँ पे अपनी ब्राइडल चुनरी ले सकते हैं, आप अपने लहंगे की चुनरी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी चुनरी ले सकती हैं जो आप लेना चाहें। अब इसके बाद चुनरी को लेना है एंड बेली बटन के सेंटर में अपने साड़ी एंड पेटीकोट के साथ इसको सिक्योर करना है। ध्यान देना है ना गाइस कि आपको इसे टक नहीं करना है, मैंने टक करने की कोशिश की थी बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपको यहाँ पे सिक्योर करना है, यानी कि सिंपली आपको ना इसे पेटीकोट पे टक नहीं करना है, सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था चुनरी का, मैंने इसको अपने राइट शोल्डर पे रख लिया ताकि थोड़ा सा एक वेट बैलेंस हो जाए, बहुत वेटेड चुनरी है। अब जो साड़ी में ना मैंने प्लेट्स बना रखी थी वो सारी प्लेट्स मैंने ली एंड इसको एक बारी फिर से अच्छे से सेट किया। एंड सिंपली जैसे आप जब साड़ी ड्रेप करती हैं तो उसके वेस्ट प्लेट को टक करती हैं ना, सिंपली आपको वैसे ही इसे टक कर देना है, नीचे से आपको अपने प्लेट्स को अरेंज कर लेना है। अब इसके बाद बचता है चुनरी वाला पार्ट फैब्रिक, जो कि सिंपली आपको आप इसको ओपन जो पल्लू होता है वो भी रख सकती हैं, बट हैवी बॉर्डर की चुनरी है तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगी आप, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको पहले अपने शोल्डर पे रखा है, लेफ्ट शोल्डर पे ले आ करके ना आपने इसको इसी तरीके से रखना है जैसे कि ना यहाँ पे मैं रख रही हूँ। एंड गाइस उसके बाद अगर आपके पास हैवी बॉर्डर वाली साड़ियाँ हैं ना तो जब भी आप उसका प्लेट्स बनाई तो जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ ना आप सिंपली इसी तरीके से प्लेट्स बनाएंगी ना तो कभी भी आपको प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी हैवी बॉर्डर का हो एंड कितना भी नेट शिफॉन जॉर्जेट का फैब्रिक क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक पर एक लिया एंड बैक साइड में सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है एंड यहाँ पे ना गाइस जो मेरा लुक है वो होता है कंप्लीट। तो आप लोग को ये मेरा ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करती हैं, अपने अच्छे अच्छे से फीडबैक देती हैं तो ही हम लोग ना और ज्यादा मोटिवेट होते हैं एंड अच्छी अच्छी सी वीडियोज लाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि आप लोगों का वेट है हमारे वीडियो का, तो फिर हम और ज्यादा मेहनत करते हैं। और आगे आप लोगों को मेरे इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली है अच्छी अच्छी सी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर के फॉलो करिएगा, आईडी मैं मेंशन कर दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। एंड गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो बाय बाय।